हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन आइकन में, विच इज ए न्यू स्टेप टॉवर्ड्स योर ब्राइट फ्यूचर। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आज से मैं लेकर के आ रहा हूँ फिजिक्स की क्लास, वो भी जो बच्चे डेडिकेटेड हैं एनडीए 2021 सेकंड के लिए, ठीक। और ये आपका जो फिजिक्स की क्लास है आपको लिए है, उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी जो एक्स ग्रुप, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिनमें क्या है आपका साइंस आने वाला है, फिजिक्स आने वाला है। हालांकि मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको कंटेंट दूंगा वो विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस दूंगा, आपको ये नहीं समझ लेना है यहाँ पे केवल क्या है, आपको क्या है क्वेश्चंस ही कराए जा रहे हैं, हर क्वेश्चंस का एनालिसिस कराया जाएगा विद कंसेप्ट के साथ में। अगर आपको क्या है चार ऑप्शन मिल रहे हैं तो उन चारों ऑप्शंस को भी क्या है आपको यहाँ पे क्या है समझाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या है एक बेस्ट क्या मिलने वाली है, एक स्टडी मिलने वाली है फिजिक्स के लिए और खास करके उनके लिए जो डेडिकेटेड हैं डिफेंस में जाने के लिए। और मैं उन बच्चों को भी यहाँ पे बताना चाहूंगा जो बच्चे क्या है अभी हमसे क्या है नए जुड़े हैं, हमारे इस YouTube चैनल पर चल रही है डिफेंस की वोकेबलरी की क्लास चल रही है और साथ ही साथ जो बच्चे नाइन्थ क्लास के लिए एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय की, सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की, उसकी क्या है क्लासेस आपकी क्या है प्रॉपरली रेगुलर चल रही हैं, जो कि ऐसा कंटेंट मिल रहा है वहां पे आप लोगों को जो कि आपको क्या है कहीं पे नहीं मिलने वाला है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट स्टार्ट आवर द सेशन। तो इस सेशन का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि जो आपके न्यूटन्स लॉ हैं वो आपका क्या है कहाँ पे होल्ड नहीं होते हैं, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो देखिए आपकी क्या क्या ऑप्शन रहने वाले हैं इसमें। ऑप्शन पहला है जो बॉडीज कैसी हो आपकी स्लो मोशन में हो, कैस किस मोशन में स्लो मोशन में हो और आपकी किस में, सेकंड आपका रेस्ट में, थर्ड ऑप्शन मूविंग विद हाई वेलोसिटी, फोर्थ ऑप्शन मूविंग विद वेलोसिटी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। सबसे पहले मैं आपको यहां पे बता दूं जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये जो कह रहा है जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, कौन सी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है आपके वो कब एप्लीकेबल है, ये आपके लिए तब एप्लीकेबल होंगे जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट किस में हो, रेस्ट में हो, ठीक, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन में हो और हाईली स्पीड हो, हाईली स्पीड हो, तो ये क्या है इनके लिए क्या होता है आपका ये एप्लीकेबल होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है, अगर एनी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट की क्या हो जाती है यहाँ पे इक्वल हो जाती है, तो यहाँ पे जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो क्या हो जाते हैं फेल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बेटा यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाते हैं फेल हो जाते हैं। अच्छा ऐसा क्यों होता है, फिर जब ये लॉज फेल हो रहे हैं तो आपके फिर कौन से लॉज यहाँ पे क्या करेंगे वर्क करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं जब हम क्या स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक और थ्योरी शुरू हो जाती है जिसे हम कहते हैं क्या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, क्या कहते हैं जिसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, यहाँ पे ये थ्योरी आपकी क्या हो जाती है शुरू हो जाती है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, इसका जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका ये करेक्ट आंसर है जिसमें क्या है आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है वैलिड नहीं होंगे। दैट मींस अगर हम क्या किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेयर करते हैं वहां पे आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाते हैं फेल हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सेकंड क्वेश्चन ये है इफ
द एनर्जी ई ऑफ ए फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड एच इज द प्लैंक कॉन्स्टेंट, देन द डायमेंशन ऑफ द प्लैंक कॉन्स्टेंट एच। तो हमें क्या पूछा है आपका, प्लैंक कॉन्स्टेंट की डायमेंशन पूछिए। सेकेंड क्वेश्चन है आपका E इक्वल टू आपका क्या है, एच न्यू है, ठीक है। जो E क्या है यहाँ पे आपका, फोटोन की क्या है, एनर्जी है, क्या है यहाँ पे, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। अच्छा फोटोन क्या होते हैं आपके, ये लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, किसके पार्टिकल, लाइट पार्टिकल होते हैं, ठीक है। अच्छा लाइट पार्टिकल होते हैं तो फोटोन की जो स्पीड होती है वो किसके इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है आपकी, स्पीड ऑफ लाइट के। जो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सी इक्वल टू क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या होती है इसकी, स्पीड ऑफ लाइट होती है। अब मैं बात कर लें इसकी, हमें निकालनी क्या है, एच की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वो डायमेंशन निकालनी है। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन न्यू हो जाएगा। अच्छा न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, क्या न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है। अच्छा सबसे पहले एक बात होता है, एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन आप कैसे निकालेंगे, क्या एनर्जी की बात बताइए, क्या जो एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ वर्क डन होती है, दैट मींस अगर मेरे पास क्या है वर्क डन की क्या डायमेंशन है तो वही क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन होती है। अगर मेरे निकाले वर्क डन की जो डायमेंशन होती है या एनर्जी की डायमेंशन होती है वो कैसे निकालेंगे हम, या हम सीधा सीधा लिख सकते हैं या निकाल भी सकते हैं, चलिए सीधा सीधा लिख लीजिए, चाहे एम एल टू टी माइनस टू होती है ये, अपॉन फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी न्यू है, न्यू की वैल्यू क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, न्यू इक्वल टू बेटा होता है 1/T होता है, 1/T का मतलब क्या हुआ, टी इनवर्स हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, टी इनवर्स हो गया। अच्छा टी इनवर्स से आपका टी माइनस टू कितने बार जाएगा, -1 बार चला जाएगा, तो इसकी जो आपको दिख रहा होगा एम एल टू टी माइनस वन, ये आपका क्या बन रहा होगा, ये करेक्ट आंसर बन रहा होगा, जो कि आपको ऑप्शन कौन सा मिल रहा होगा यहाँ पे, सी। अब मैं आपको एक बात बता दे रहा चाह रहा हूं, ये एम एल टू टी माइनस टू कैसे आएगी, क्या जो आपका जो वर्क डन होता है, वर्क होता है, वर्क इक्वल टू आपका एफ इंटू एक्स होता है, फोर्स है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम इंटू ए होता है, एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, एम का क्या हो गया आपका, एम हो गया, एक्सीलरेशन है एल टी माइनस टू हो गया, एक्स डिस्प्लेसमेंट है एल हो गया, लेंथ हो गया, तो बन गया नहीं बन गया एम एल टू टी माइनस टू, तो यहां पे मैंने इसको लगा दिया टी माइनस वन, ये क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक बेटा। थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थर्ड क्वेश्चन ये है आपका, ए बॉडी गोज फ्रॉम पी टू क्यू विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एंड कम्स बैक फ्रॉम क्यू टू पी विद ए वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग होल जर्नी। आपका देखिए थर्ड क्वेश्चन पे हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, एक पॉइंट ओ है, पी है और एक पॉइंट आपका क्यू है। पी से क्यू जब कोई बॉडी क्या कर रही है, जा रही है, जब कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है आपकी, वो वेलोसिटी क्या है आपकी, 40 मीटर पर सेकंड है। और जब ये क्या है आ रहा है, ये क्या है जाते टाइम पे है, और ये जब बैक हो रहा है क्यू से पी की ओर बैक हो रहा है, तब इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, 60 मीटर पर सेकंड है। अब आपको निकालना क्या है, यहां पे निकालना बेटा एवरेज वेलोसिटी निकालना है, और एवरेज मैं जानता हूं आप, वो क्या होता है, एवरेज होता है इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू होता है, इस हिसाब से तो ये क्या हो जाना बेटा, 40 प्लस 60 अपॉन टू, दैट मींस 50 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपको 50% भी दिख रहा है यहाँ पे, आपको 48% भी मीटर पर सेकंड दिख रहा है, और भी आपको क्या है, दो ऑप्शन और दिख रहे हैं, एक जीरो दिख रहा है और एक 45 मीटर पर सेकंड दिख रहा है। तो देखेंगे हम यहाँ पे फिर कौन सा करेक्ट आंसर होना है, तो कौन, उसके लिए देखिए जब आपकी क्या है, जब दो तरह की आपकी क्या हो, वेलोसिटीज हो, आपकी फिक्स डेस्टिनेशन को क्या कर रही हो, कवर कर रही हो, तो उसके लिए बस होना कुछ नहीं है, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है एवरेज वेलोसिटी। कैसी है वेलोसिटी आपकी, वेलोसिटी ऑफ एवरेज। उसके लिए होता है आपका फिक्स डेस्टिनेशन हो गया, पी से क्यू जा रहा है और क्यू से बैक पी आ रहा है,
ठीक है, कहीं पे बीच में स्टॉपेज नहीं है, तो उसके लिए आपका होता है ट्वाइस ऑफ v1 into v2 upon v1 plus v2। आप इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इसमें और सीधा सीधा क्या है आपका आंसर आने वाला है। तो यहां पे लगा दीजिए ट्वाइस ऑफ v1 कितना है 40 है जाते टाइम पे, और बैक लौटते टाइम पे आपका 60 है, और इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाना है 2 into 40 into 60 upon 100 हो जाएगा। 10 से 10, 20 से 20, 6 4 24, 2 48 मीटर पर सेकेंड। बेटा आप गलत होने वाले थे, 50 मीटर पर सेकेंड को जब आप सही लगाते। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर ये है आपका द एरिया अंडर द एसिलेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। अगर आपके पास कोई आपका ग्राफ दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन है ये, फोर्थ क्वेश्चन में ये कहे आपका अगर आपके पास कोई ग्राफ है, ये क्या है टाइम को डिनोट करता है और ये आपको क्या है एसिलेशन को डिनोट कर रहा है ये, ठीक है। अगर इसमें कोई भी अगर मैं क्या करते हैं इनके बीच में ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ में मैंने मान लिया किसी भी टाइम पे आपकी वैल्यू एसिलेशन आपका कुछ है, किसी टाइम पे आपका कुछ है, किसी टाइम पे आपका कुछ है, इस तरह से अगर आपका चेंज हो रहा है तो ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, किसी भी तरह से बना लीजिए आप, अगर इस जैसे मैंने आपका यहाँ पे क्या किया, इस तरह से मैं क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, इस तरह से मैंने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, कवर कर दिया, और इसका मैंने बोला इसका जो एरिया है वो किसके इक्वल आने वाला है, और इसको मिलाते मिलाते कोई टाइम ऐसा होगा जहां पे आपका एसिलेशन क्या होने वाला है जीरो हो जाए, ठीक है। अगर मैंने इसका पूरे का पूरा एरिया निकालूंगा तो सीधा सीधा एक बात बताइए बच्चों, यहाँ पे अगर मैं क्या है इसको स्मॉल टाइम्स में ड्यूरेशन में क्या करूं, मैं डिवाइड करूं, अगर मैं किसी भी टाइम पे एसिलेशन ये है और मैंने बोला उस टाइम पे आपका जिस टाइम पे ये एसिलेशन है उसके लिए टाइम क्या होगा, मैं डिनोट कर दूंगा इसके जस्ट आफ्टर ए मिनी सेकंड पल्स में क्या होगा, मैंने बोला फिर उस एसिलेशन पे कितना टाइम, उस टाइम पे कितना एसिलेशन होगा, बिल्कुल ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो मैंने बोला कुछ यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ये एसिलेशन बनेगा। अगर मैंने बोला भाई तो जो मैं इसने जो एरिया कवर किया है, ठीक है, और एक बात और मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये जो एरिया कवर किया है इस एरिया, ये एरिया किसके इक्वल होने वाला है, मैं यहाँ पे ये बताऊंगा। एक बात और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका ये बिल्कुल इस तरह से दिखेगा कि बिल्कुल किसमें हो, लीनियर में हो, किसमें हो, ये लीनियर में हो। अब मैं जब एक स्मॉल उसके लिए एरिया के लिए मैं पूरा का पूरा इसका एरिया निकालूंगा स्मॉल पार्ट के लिए, तो मैं पूरे का भी निकाल सकता हूं। पहले जब मैं स्मॉल के लिए निकालूंगा तो स्मॉल के लिए एक बात बताइए, स्मॉल के लिए मैं एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, तो देखिए अगर ये आपकी क्या है स्ट्रेट लाइन बन रही है तो क्या ये रेक्टेंगल बनेगा, और रेक्टेंगल का एरिया मैं जानता हूं वो क्या होता है आपका विड्थ इंटू आपका लेंथ, विड्थ इंटू लेंथ। अगर देखिए यहाँ पे विड्थ क्या है आपकी टी है, लेंथ क्या है आपकी ए है, एसिलेशन है, तो एरिया इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया इक्वल टू आपका हो जाएगा टी इंटू ए, टी इंटू ए। अच्छा ये क्या है आपका, ये तो एसिलेशन है यहाँ पे, और ये क्या है टाइम है। तो एक बात बताइए, एक ऐसा फॉर्मूला जो एसिलेशन और टाइम में क्या हो आपका डिवाइड हो, क्या एक बात बताइए, मैं यहाँ पे नोट करके आपको बता देता हूं, जो एसिलेशन होता है क्या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, क्योंकि ये क्या शॉर्ट टाइम है, इसको मैं डीटी भी लिख सकता हूं यहाँ पे, अगर डीटी करना चाहें तो यहाँ पे क्या है आप डीटी भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल टाइम भी क्या कर सकते हैं इसे बना सकते हैं। तो यहाँ से डेल्टा भी किसके इक्वल हो जाएगा, ये डेल्टा भी हो जाएगा यहाँ से आपका ए इंटू डेल्टा टी, ए इंटू डेल्टा टी। तो देखिए क्या ये हमारा ए इंटू डेल्टा टी था, क्या ये हमारा ए इंटू डेल्टा टी है,
तो एक बात बताइए, यहां से जो हमारा एरिया है वो किसके इक्वल होने वाला है? चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होने वाला है ये। किसके इक्वल होने वाला है? चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होने वाला है, जो कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन कौन सा बनने वाला है आपका? सी बनने वाला है। तो ये इसका क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। हालांकि आप क्या कर सकते हैं, ये तो मैंने स्मॉल एरिया के लिए निकाला है, पूरे एरिया के लिए निकालेंगे तो यहां से आपका डेल्टा टी हट जाएगा, बस कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन अगला ये है, व्हेन ए मूविंग बस सडनली ब्रेक्स अप्लाइड ब्रेक्स देन द पैसेंजर सिटिंग इन इट फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब आपकी बस क्या करती है, ड्राइवर क्या करता है, सडनली ब्रेक लगाता है, तो उसमें आपके बैठे हुए पैसेंजर आगे की ओर क्या होते हैं? गिर जाते हैं। ऐसा किस लॉ के द्वारा होता है? ठीक है, ये आपका कौन सा लॉ क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है एक्सप्लेन बाय थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऑप्शन बी न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ, सेकेंड थर्ड इज न्यूटन सेकेंड लॉ और एंड फोर्थ न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखिए यहां पे अब एक बात बताइए, बस आपकी रुकी हुई है, स्टार्टिंग में बस रुकी हुई है अगर, तो एक बात बताइए, हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, बॉडी के जो फीट है हमारे, वो किससे टच है? हमारी आपकी बस के फ्लोर से टच है। जब आपकी जो बस है वो जब अचानक क्या होती है आपकी, वो स्टार्ट होती है, तो हमारा क्या होगा, जो हमारे फुट हैं वो क्या होंगे, बस की जो डायरेक्शन में क्या होंगे, आगे की ओर मूव करेंगे। ठीक है, बट जो हमारा पूरा का पूरा अपर पार्ट है बॉडी का, वो क्या करेगा, वो अपनी उसी पोजीशन में रहना चाहेगा। अगर उसी पोजीशन में रहना चाहेगा तो सडनली क्या होगा, पीछे की ओर क्या होगा, वो फॉल होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर वही बॉडी वो आप वही बस किस में हो, आपकी मोशन में हो, और वो अचानक अप्लाई कर दे, ब्रेक अप्लाई करे, तो क्या होगा, जो हमारे फीट हैं वो किस में आना चाहेंगे, वो रेस्ट में आना चाहेंगे, बट हमारा जो अपर पार्ट है वो किस में था, वो मोशन में था। ठीक, जब वो ब्रेक को अप्लाई करेगा तो वो कहां पे आपका क्या होना चाहिए, वो क्या आपका वो किधर आपका फॉल होना चाहिए, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इसको जो एक्सप्लेन करता है आपका, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या करता है, इसको एक्सप्लेन करता है न्यूटन्स, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और क्या एग्जाम्पल होते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के, न्यूटन फर्स्ट लॉ के ये एग्जाम्पल और हैं, जैसे जब हम क्या किसी भी स्टिक से किसी कारपेट को क्या करते हैं, हम बीट करते हैं, तो उसमें से क्या होती है, कुछ धूल वगैरह क्या होती है, वो उड़ने लगती है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। आगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता क्या है, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है, इसको मैं आपको बता देने वाला हूं, ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ये होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस में है, वो रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही क्या रहना चाहता है, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। अगर कोई क्या है कोई भी ऑब्जेक्ट किस में मोशन में है, तो वो किस में रहेगा, आपका मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स क्या ना करे, वर्क ना करे। जब कोई भी आपका क्या एक्सटर्नल फोर्स क्या नहीं करे, वर्क नहीं करे, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये इन दोनों की जो स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट है, स्टेट ऑफ मोशन है, वो किस में आ जाएंगी, वो चेंज होने लग जाएंगी। रेस्ट वाला मोशन में आने लग जाएगा, मोशन वाला किस में आने लग जाएगा, रेस्ट में आने लग जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला है आपका, ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, देखिए सिक्स क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है, इफ ए बॉडी ऑफ मास 6 किलोग्राम इज रोटेटेड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर। देखिए एक मास दे रखा है एक बॉडी का, कितना, 6 किलोग्राम का। ठीक है, उसकी जो रेडियस है वो आपको दे रखी है 3 मीटर। रेडियस कितनी दे रखी है उसकी, 3 मीटर दे रखी है। ठीक है, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, जो उसकी स्पीड है वो क्या दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है।
ठीक है। अच्छा पूछा क्या है, द फोर्स विच मस्ट एक्ट ऑन द बॉडी ऑफ मेंटेन द मोशन, तो वहां पे आपको क्या पूछा है, फोर्स पूछा है कि उसका उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा जो उस बॉडी को सर्कल सर्कुलर मोशन को क्या है मेंटेन बनाए रखेगी। अच्छा एक बात बताइए, क्या जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ पे वर्क कर रहा है, मोशन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, जिसकी रेडियस वो क्या है 3 मीटर है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ए है। अब एक बात बताइए, सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं उस पे, तो यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है वो कौन सा लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, उसको क्या करता है सर्कुलर मोशन में बनाए रखता है, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अच्छा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, वो किसकी फॉर्म में, एम आर और वी में, क्या हम इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं क्या, यहाँ पे F इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, F इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, तो यहां पे आप इसको लगाइए और यहां पे क्या है आपका आंसर आ जाएगा, M इक्वल टू कितना है 6 किलोग्राम है, V कितना है आपका 10 मीटर पर सेकंड है मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि V का क्या हो रहा है स्क्वेयर हो रहा है, अपॉन में R कितना 3 से ये कितने बार 2 बार 2 10 10 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 200 न्यूटन फोर्स क्या करना पड़ेगा, उसे सर्कुलर मोशन को बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका यहां पे बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसकी क्वेश्चन ये है, ए कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ 1/3 डिस्टेंस ऑफ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1/3 ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, एंड द लास्ट 1/3 ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, एवरेज स्पीड पूछी है। अभी तक देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, कोई एक डिस्टेंस है ए से बी तक, जिसको 1/3 में क्या कर रहा है आपका, कोई एक 1/3 में जो कर रहा है आपका 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, नेक्स्ट 1/3 में क्या कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है, नेक्स्ट में क्या कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में क्या कर रहा है ये जा रहा है, तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है मेरी वो कितने पार्टों में डिवाइड हो चुकी है, 3 इक्वल पार्टों में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है, कितने 3 इक्वल पार्टों में डिवाइड हो चुकी है। अब एवरेज स्पीड लगानी है, आप क्या करेंगे तीनों को जोड़ेंगे डिवाइड बाई 3, आपका आंसर आ जाएगा कितना आने वाला है 60, 20, 80, 80 और 10, 90/3, 30 किलोमीटर, जो कि आपका गलत होने वाला है, क्या होने वाला है गलत। तो एक बात बताइए, इससे पहले आपका ये क्वेश्चन आया था 2, 2 क्या कर रहा है वो, 2 इक्वल डिस्टेंस वो क्या कर रहा हो, कवर कर रहा हो विद डिफरेंट स्पीड से, तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, 2 वाले के लिए वो बताया था 2u(v)u+b, ये बताया था। अगर आपके पास 3 इक्वल डिस्टेंस हैं तब इसका कैसे करेंगे, तो 3 इक्वल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनता है, बस कुछ नहीं है, 2 की जगह 3 हो जाना है, यू बी की जगह क्या हो जाना है ए बी सी हो जाना है। अच्छा u प्लस बी की जगह बस कुछ नहीं है, एक बार इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई, दैट मीन्स a का b के साथ मल्टीप्लाई, फिर b का c के साथ में मल्टीप्लाई ऐड करते जाना है, और c का a के साथ में मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ये किन के लिए आएगी, जब आपकी ये कोई भी डिस्टेंस आपका 3 इक्वल पार्टों में क्या हो डिवाइड हो, तो लगा दीजिए ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, a की वैल्यू कितनी है 10, बी की 20, सी की आपकी 60, अपॉन में ए इंटू बी, 10 × 20 कितना 200, 10 × 20 प्लस का 20 × 60 प्लस का 60 × 10, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 × इसका कितना हो जाएगा 6×2 = 12,000 हो गया ये, चलो अपॉन में 200 और यहाँ पे आपका 1200 1400 और यहाँ पे 600 2000, या आपका 2000 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2000, ठीक है, या 2000 बन जाएगा यहाँ पे। देखिए 1 2 3 0 से आपके 3 0 गए, 2 से ये कितने बार जाएगा आपका
12 सिक्स आ जाएगा, 6 3 या कितना बन गया आपका 18 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा करेक्ट है, आपका सी करेक्ट है, ए आपका बिल्कुल रॉन्ग होने वाला है। ठीक है, तो ये तरीका होता है जब आपके किसी डिस्टेंस को तीन पार्टों में डिवाइड किया जाए, हालांकि चार में कर दे पांच में कर दे बट लेकिन ये क्या बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा, जो मैक्सिमम पूछा जाएगा तीन वाला पूछा जाएगा, मिनिमम टू मैक्सिमम थ्री। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे और मुझे लगता है इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए मैन ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ लेंथ विद ए वेलोसिटी यू एंड सेकेंड हाफ लेंथ विद द वेलोसिटी ऑफ द वी, देन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। ठीक है, तो ये आपका 8th क्वेश्चन है, जो कि आपका कुछ नहीं बेटा, मैंने अभी आपको क्या फॉर्मूला बता दिया था, बस वही फॉर्मूला है इसमें आपका, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, इसको क्या कर रहा है, जो आपका पूरी ए बी डिस्टेंस को कोई ऑब्जेक्ट ने हो, कोई भी आदमी है कोई कार है, वो क्या कर रहा है दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट हाफ को क्या कर रहा है वो यू की स्पीड से कवर कर रहा है, सेकेंड हाफ को वी की स्पीड से कवर कर रहा है। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए मैंने क्या बताया था बेटा, जब दो इक्वल पार्टों में डिवाइड हो कोई डिस्टेंस तो क्या होता है 2uv upon u plus v। तो आपको ऑप्शन करेक्ट दिख गया होगा, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, देखते ही आंसर लग रहा है बेटा, इसको तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखते ही मारोगे इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन ये, द डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ ए बॉडी वेरीज विद द टाइम। ठीक है, वेरीज विद द टाइम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन ये है आपका, कोई एक डिस्टेंस है वाई, ठीक है, वाई जो है डिस्टेंस है वो क्या कर रहा है टाइम के साथ में वेरी कर रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है 2/3 टी स्क्वायर प्लस का 16t और माइनस का यहाँ पे 12। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पे आपको कि द ऑब्जेक्ट विल कम टू द रेस्ट इन, कितने समय बाद आपका क्या है आपका ऑब्जेक्ट किस में आ जाना है, रेस्ट में आ जाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, एक बात बताइए, ये मोशन में है, इसकी वेलोसिटी है, ये क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी बनने वाला है तो वो किस तरह से बनने वाला है, तो एक बात बताइए, जो वेलोसिटी बनेगा v इक्वल टू क्या होना है dy ओवर dt होगा, वेलोसिटी बिल्कुल होगा भैया, जब dy ओवर dt होगा तो एक बात बताइए माइनस का 2/3 टी स्क्वायर प्लस का 16t माइनस का 12 का क्या हो जाना है यहाँ पे डेरिवेट हो जाना है, वेलोसिटी बन जाएगी बेटा यहाँ पे आपका, ये तो क्या हो जाएगा माइनस का 2/3 ये कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का क्या होता है बेटा 2t हो जाएगा यहाँ पे, 16t का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये तो हो गया यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू क्या माइनस का 4/3 टी प्लस का 16। अब ये नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये रेस्ट में आ जाना है, दैट मीन्स वेलोसिटी क्या हो जानी है जीरो हो जानी है यहाँ पे, जब आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे रेस्ट के लिए एट रेस्ट में v इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू माइनस का 4/3 टी प्लस का 16। अब इसको हम बराबर रख देंगे, t की वैल्यू निकाल लेंगे, तो निकालिए यहाँ पे माइनस का 4/3 टी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 16, माइनस 4 से माइनस 16 कितने बार 4 बार और 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में क्या हो जाएगा टी इक्वल टू आपका 12 सेकेंड में क्या होगा वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा, तो आपका जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ए मशीन इज डिलीवरिंग कॉन्स्टेंट पावर टू ड्राइव ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन व्हेन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट टाइम। ठीक है, तो आप करना क्या है इसमें, ये 10th क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, पावर दे रखा है बेटा,
क्या दे रखा है? पावर। और एक बात बताइए, पावर की जो आपकी डेफिनेशन होती है वो क्या होती है पावर की? क्या पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है? इट इज द रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम। बिल्कुल होता है भैया, यही क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है। पावर का यूनिट पूछ लिया जाए क्या हो जाएगा इसका? वॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉट हो जाएगा, ठीक है। और भी किलोवाट भी होते हैं आपके, और भी क्या है, जूल भी आपकी, और भी क्या है, इसकी क्या है यूनिट है होती हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो वर्क है, वर्क का डायमेंशन क्या होता है, मैंने अभी पहले आपको बता चुका हूँ, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है, अपॉन में टाइम है, ये टाइम का क्या होता है, टी होता है, होता है। अच्छा, ये जो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री हो जाएगा। ये जो एक बात बताइए, जो डायमेंशन है आपकी, क्या पावर की ये कांस्टेंट डायमेंशन है? इसकी जो वैल्यू होगी क्या ये, क्या बेटा ये कांस्टेंट होने वाली है? बिल्कुल होने वाली है। जब ये कांस्टेंट होने वाली है तो एल स्क्वायर टी माइनस थ्री भी क्या होगा यहाँ पे बेटा, कांस्टेंट होगा। होगा या नहीं होगा? कांस्टेंट है, दैट मीन्स ये जो वैल्यू बन रही होगी क्या, ये एल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन टी की पावर माइनस थ्री से बन रहा होगा। बिल्कुल बन रहा होगा। लेंथ है एल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, यहाँ पे टी की पावर थ्री बन रहा होगा। तो यहाँ से एल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे क्या, टी क्यू बन रहा होगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। तो जो कि ऑप्शन आपका कौन सा सही होने वाला है यहाँ पे, ऑप्शन आपको यहाँ पे ठीक होने वाला है ए, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, ये आज के लिए बेटा सिर्फ इतना ही, जो कि आपको यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है और जो आपको नॉलेज मिल रही है, शायद है वो आपका कोई भी और दे रहा हो, ठीक है। तो बेटा इस तरह की नॉलेज को लेने के लिए और हमारे साथ बनने के लिए कंटिन्यू क्या करते रहिए, बस हमारे साथ में बने रहिए। बेटा मैं आपका एक कंसेप्ट भी नहीं छोड़ूंगा, ये कह रहे होंगे ये आपका क्या है, ये तो क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं हमारे, थ्योरी तो करा ही नहीं रहे। बेटा थ्योरी, एक बात बताइए, मैंने आपका यहाँ पे पावर बताया, पावर का वो क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम। इसका यूनिट क्या होता है बेटा, मैंने वॉट लिखा दिया। इसके अलावा बताओ और कितना बताएं, ठीक है। हालांकि बताने के लिए और भी क्या बहुत स्प्रेड है, बट आपको वो कंटेंट पढ़ना है जो आपको हेल्प करे इसमें, विद द डेडिकेशन टू डिफेंस, डिफेंस में आपके लिए क्या हो, डेडिकेटेड हो, ठीक है। और जो आपको क्या है, एक्सीलेंट बनाए, जो आपको क्या है, एक अच्छी पोजीशन पे क्या करे बनाए, ऐसा कंटेंट हम क्या कर रहे हैं आपको दे रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरह का कंटेंट लेने के लिए और इसी तरह के हमारे क्या है स्टडी करने के लिए हमारे साथ में आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन आइकन के साथ में। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप क्या है एनडी की एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एसएसबी की तैयारी के लिए आपको बेस्ट स्ट्रेटजी मिलने वाली है और बेस्ट तरीका मिलने वाला है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि क्या क्या होता है एसएसबी के अंदर, तो उस चीज को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से देखिए। और आपके अगर छोटे भैया बहने जो तैयारी कर रहे हैं 9th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम की, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की, तो उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी और बेस्ट कंटेंट आपको हमारे यहाँ पे मिल रहा है, जो कि केवल और केवल देखते ही आप क्या है क्वेश्चन के आंसर्स को क्या है यहाँ पे सॉल्व कराएंगे विद इन 5 सेकंड टू 10 सेकंड। आप क्या है हर क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। और हाँ बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और हर जगह तक पहुंचा दीजिए, हर बच्चे तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्या कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।